गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास मैथ्स का चैप्टर जो थर्ड है उसकी आगे की एक्सरसाइज बढ़ाने वाले हैं। हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.3। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रूफ दें। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 10 स्क्वायर 5/4 इक्वल्स टू 1/2। तो हम LHS लेंगे, उसको RHS प्रूफ करके बता देंगे। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। देखो, अब इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 6 का स्क्वायर, LHS ले रहे हैं हम, ठीक है। कॉस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर 10 5/4 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब देखिए 180 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 3 80 क्या आ गया, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। इसका 180 डिवाइडेड बाय 3 6 80, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का स्क्वायर 10 5/4 की वैल्यू होती है 180 अपॉन में 4 45 डिग्री, क्या आ गया 10 45 डिग्री का स्क्वायर, ये हमने कर दिया। आप देखेंगे पाई बाय 6 को मैंने काट दिया 6 से, तो क्या आ गया। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और 10 45 की 1 होती है। आपको पिछली टेबल याद है होंगी 10th क्लास की, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। एलसीएम ले लेता हूँ मैं, क्या आ जाएगा एलसीएम 4, 4 से 4 कैंसिल 1, 4 से 4 कैंसिल 1 माइनस 4, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आप देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 माइनस 4 अपॉन में 4, 4 से 2 गया माइनस का 2 अपॉन में 4, 2 बन जा 2, 2 जा 4 माइनस 1/2। हमने LHS लिया था, RHS प्रूफ करके बता दिया, सिंपल ही क्वेश्चन था, फिर से एक बार देख लीजिए, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। पाई बाय 6 को क्या लिख दिया मैंने, पाई बाय 6 का होल स्क्वायर एक साथ करके लगा दी। पाई बाय 6 को हम 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 180 डिवाइडेड बाय 6, यहां पे भी 180 डिवाइडेड बाय 3, 180 डिवाइडेड बाय 4, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है और 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तीनों की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ। उसके बाद से क्या करा, सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं लेता हूँ उसी का थर्ड वाला, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, आपको 180 से डिवाइड करना आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec 5 पाई बाय 6 प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है इस बार 6 लाके बताना है। LHS लेते हैं, RHS प्रूफ करके बता देंगे, ठीक है। आप cot pi by 6 को क्या लिख सकते हैं, root 3, मतलब क्या हो जाएगा 6 3 = 18 30 डिग्री, क्या होती है वैल्यू root 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। pi by इसको क्या लिख सकता हूं मैं, cosec pi minus pi by 6 का होल स्क्वायर 10, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में रूट 3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन में रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 3, कॉसेक पाई बाय माइनस 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक 180 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा पाई बाय 6 का होल स्क्वायर
1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3। ठीक है देखिए cos π/6 किसकी वैल्यू होती है तो π/6 किसकी हो जाएगी 2 की। ठीक है इसकी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि तो अब यहां पे क्या लिख दूं मैं 2 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 × 1/3 कॉसेक की होती है √2 √2 का होल स्क्वायर। चलो एक बार मैं लिख देता हूं देखो क्या हो जाएगी 180 / 6 तो 6 3 18 क्या हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर 3 से 3 कैंसिल क्या आ गया 1 3 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल प्लस 1 3 और 2 5 1 6 LHS दिया था ये मैंने RHS प्रूफ करके बता दिया। फिर से देखो 180 / 6 तो क्या हो जाएगा 6 3 18 और 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 यहां पे इसको क्या लिख दिया 180 - थीटा। ठीक है आप देखिए और आगे क्या करा है यहां पे नेक्स्ट टेन इसकी भी 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और इसको क्या कर लिया है सॉल्व कर लिया है सभी को। ठीक है अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन करा देता हूं। फिफ्थ में भी दो है ठीक है फॉर्मूला बनाना है आपको किसका फॉर्मूला बनाना है तो वो मैं बता देता हूं। एक एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि आपको भी करने हैं ना फॉर्मूले में पहले लिखा चुका हूं और क्वार्टेट को लेके साथ में करने हैं आपको। ठीक है देखिए क्या है पहला क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट है साइन 75 डिग्री। अब 75 को क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं साइन 45 प्लस 30 हो रहा है दोनों का अगर मिलाया तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा पर ये फॉर्मूला बन गया किसका साइन ए साइन ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी ये फॉर्मूला बन गया। ये हमारे लिए ए है और ये क्या है बी है तो साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री ये मैंने लगा दिया फॉर्मूला। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 कॉस 30 की वैल्यू होती है कॉस 30 की √3/2 cos 30 क्या होती है 1/√2 और sin 45 की होती है 1/2 ये वैल्यू होती है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं देखिए 1 का स्क्वायर का √3 2√2 1/√2 LCM आ जाएगा क्या आ जाएगा 2√2 कैंसिल √3 प्लस 1। ठीक है अब आगे कुछ सॉल्व होगा क्या नहीं होगा तो इसको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे और आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका सही है √3 है सही है। ठीक इसका सेकंड वाला भी ऐसे ही करना है आपको। अब देखिए सिक्स्थ वाला लेता हूं मैं तो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे अब इसको ए
और इसको बी। ये देखिए मैंने अंडरलाइन करके लिख दिया, क्या माना मैंने ए और बी। अब लिख लें इसको, क्या आ जाएगा cos a pi by 4 minus x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a, ठीक है, cos a, cos b sin a sin b। अब ये देखिए फॉर्मूला होता है किसका, फॉर्मूला होता है cos a cos b sin a sin b, तो फॉर्मूला होता है sin x plus y का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, a की जगह हमने क्या माना है x, क्योंकि ये सिमिलर ना दिखे इसलिए मैंने a b लगाया था। आप चाहो तो इस चूल्हे को x भी मान सकते हो, तो x y में हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो x y मान लो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, x y, इस पूरे को x, इस पूरे को y, x y, तो आपको डबल काम नहीं करना पड़ेगा। अभी किसका फॉर्मूला बन गया, sin cos x cos y sin a sin y, इसका फॉर्मूला बन गया sin x plus y का फॉर्मूला। LHS लिया था, RHS प्रूफ करके बता दिया हमने। अब नेक्स्ट ले लेता हूँ सर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो 10 तक का होमवर्क रहेगा, कल आप 10 तक क्वेश्चन करके लाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नोट करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, cos pi by pi plus x cos माइनस x cos ब्रैकेट में माइनस x अपॉन में sin pi माइनस x और cos pi by 2 plus x equals to cot square x, cot square x। अब हम इस पर फिर से LHS ले लेते हैं और सपोज देख करते हैं। देखिए 180 का क्या हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा, है ना, चेंज हुआ, cos माइनस x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा cos x, ठीक है, माइनस साइन बाहर निकाल लिया तो क्या आ गया cos x हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा cos 180 मतलब 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए कॉस का कॉस में हुआ क्या हो गया माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, साइन का साइन में हुआ माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो गया टेन स्क्वायर एक्स, कॉस अपॉन में साइन, सॉरी कॉट स्क्वायर एक्स, क्योंकि क्या होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। तो ये हमने LHS लिया था, RHS प्रूफ करके बता दिया उसको, ठीक है, सिंपल ही था, क्वाड्रेंट पे चेंज करा इसको, और चेंज करने के बाद क्या करा हमने, कैंसिल कर दिया, ठीक है, माइनस से माइनस। अब आगे के दो सम आप करेंगे, ठीक है, कल आगे के क्वेश्चन करेंगे इसके। थैंक यू।